ये घोड़े और ये मैदान कि वो राजा लोग हैं, हम आम किसान हैं। कार्तिक चौधरी का जिक्र आ रहा है जो टिकट की दौड़ में भी लगातार बने हुए थे और अब सुनने में आ रहा है कि निर्दलीय चुनाव में मैदान में है, ऐसा नहीं लग रहा है कांग्रेस के लिए स्थिति और भी वो थोड़ी मुश्किल बना देंगे? सीपी जोशी जी जो है आज भी हैं और वो बहुत कद्दावर नेता है, यहाँ भी मैंने देखा है हर गली और मोहल्ले में उनकी छाप है, उनके काम की छाप है। राजसमंद में भी टिकट को लेकर कुछ उलटफेर होते हैं और आप आ जाते हैं राजसमंद, तो राजसमंद ही क्यों? कि जनता इनसे उब चुकी है, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिला वर्ग हो। क्या लगता है कि ये ऐसे पहलू है जिनके सहारे मैं चुनावी मैदान में जाऊंगा और परिणाम मेरे पक्ष में आएंगे? हमारे जो कैंडिडेट थे उनका स्वास्थ्य कुछ यहाँ राजसमंद वालों का कुछ गड़बड़ था जो उन्होंने मीडिया स्वास्थ्य नेता उन्होंने मीडिया में ये कहा है कि मैं तो लड़ने नहीं चाहता था। आपके बड़े भाई यहाँ राजसमंद से जिला कलेक्टर रहे हुए हैं, उनसे दिशा निर्देश मिल रहे कि नहीं मिल रहे हैं? श्यामलाल जी बता रहे नहीं बता रहे कि मेरे भी कुछ अच्छे लोग थे उस वक्त मिलने वाले, तो जब जाओ तो उनसे मिलना, मदद करेंगे? और पुलिस बहुत अच्छी सेवा भी करती है, मैं उसको अभी भी मन में सजोए रखता हूँ, लेकिन राजनीति का दायरा थोड़ा बड़ा है, इसमें आदमी योजनाएं लगा सकता है। नामांकन कब है और क्या कुछ रहने लिए और कौन कौन बाहर से ऐसा लगता है कि बड़े नेताओं आएंगे प्रचार में? यार अब ये मुझे उनका पता भी नहीं है कि वो आम बड़े भाई हैं। महिमा कुमारी मेवाड़, उनका टिकट कुछ दिनों पहले डिक्लेयर हो गया, उसके बाद लगातार सक्रिय भी हो गए, कार्यकर्ता सम्मेलन भी हो रहे हैं, आठों से आठों विधायक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं, डेगाना तक भी वो पहुंच गए, तो आपको नहीं लगता कि अभी कांग्रेस को थोड़ा तेज दौड़ना पड़ेगा यहाँ? तो जनता निश्चित रूप से हमको प्रेम प्यार दे रही है। आपके एक पिछली बार के विधायक सुदर्शन सिंह रावत कहते हैं कि मेरे विदेशों में कार्य है तो मैं समय दे नहीं पाऊंगा, डॉक्टर सीपी जोशी को भिलवाड़ा भेज दिया जाता है, कमान संभालेगा कौन? ये अपने अति आत्मविश्वास में ये कह रहे हैं। राजसमंद के लोकसभा के चुनावी रण में कांग्रेस के टिकट को लेकर लगातार कन्फ्यूजन चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी मैदान में धीरे धीरे लोगों तक पहुंचने की कवायदें शुरू कर चुकी थी, मगर अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस भी उस चुनावी समर में मजबूती से उतरने के लिए बिल्कुल तैयार होती दिखाई दे रही है। चेहरा चुन लिया गया है, चेहरा लोकसभा क्षेत्र पहुंच गया है, देवदर्शन यात्राएं प्रारंभ है, कांग्रेस अपने आप को एकजुट दिखाने की कोशिश कर रही है। यहां से अब कांग्रेस का चुनाव किस तरह से बढ़ता है, किस प्रकार से अपने लिए अवसर तलाशे जाते हैं, उन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी दामोदर गुजर, डॉक्टर दामोदर गुजर अभी हमारे साथ है। सबसे पहले तो आज के परिदृश्य पर ही बात करेंगे कि आज राजसमंद में देवदर्शन यात्राएं चल रही है, कांग्रेस के सभी बड़े चेहरे एकजुट भी नज़र आ रहे हैं, इस बार 400 बार का पार का नारा भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, मगर इस बार कांग्रेस की बहार, ये आज थोड़ा मेरे को लग रहा है कि वहाँ आपने माहौल बनाने की कोशिश की है, क्या कुछ लग रहा है? देखिए, ये जो आप 400 पार की बात कर रहे हैं, ये तो शायद आज आम जनता भी जान चुकी है कि ये अपने अति आत्मविश्वास में ये कह रहे हैं, क्योंकि इनको ये पता है अगर ये नहीं कहेंगे तो जनता जो हमको शायद 100 या 150 तक भी अटकाने वाली है संख्या पे, उसे हम पार कैसे पाएँ या उसे उसको उस लेवल पे कैसे जाएँ कि हमारी सरकार भी बन जाए। लेकिन जो जनता का माहौल है, जो जनता ने देखा है 10 साल में, उसके आधार पे ये निश्चित है कि जनता इनसे उब चुकी है, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे इन्होंने नोटबंदी की हो, चाहे इन्होंने 15 लाख का खाते में जमा कराने का वादा किया हो, चाहे इन्होंने MSP देने की बात करी हो, चाहे पानी पहुंचाने की बात करी हो, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई मजदूर, किसी भी कोई किसान आज इनसे खुश नहीं है। ये 3 महीने से जो सरकार बनी है, उस सरकार राजस्थान में बनने के बाद ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो सरकार चल रही है। जो हमारी सरकार की योजनाएं थी उनको भी बंद कर दी गई है, और वो योजनाएँ जो कि आम जनता के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई थी, आम जनता के खान पान से जुड़ी हुई थी, आम जनता के की शिक्षा से जुड़ी हुई थी, उन योजनाओं को तक इन्होंने बंद किया। ये तो आप मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे बता रहे हैं, जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा, जिन मुद्दों पर कांग्रेस मुखर होगी। आपसे मैं सीधा सवाल पूछता हूँ कि राजसमंद ही क्यों, एक क्या ऐसा कारण रहता है कि सवाई माधोपुर का एक चेहरा भिलवाड़ा पहुँचता है, फिर भिलवाड़ा में टिकट की कुछ उलटफेर होते हैं, इस दरमियान राजसमंद में भी टिकट को लेकर कुछ उलटफेर होते हैं और आप आ जाते हैं राजसमंद, तो राजसमंद ही क्यों? देखिए, मैं जब आप लोकतंत्र की बात, मतलब पार्लियामेंट इलेक्शन की बात करते हैं, तो कोई भी लोकल और भारी नहीं होता है। जो भी नेता हैं हमने देखा है वो कहीं भी चुनाव भी लड़ते हैं, हमारे राहुल गांधी केरल से जाके चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, वो उसके पहले वो यूपी से लड़ते रहे हैं, तो इस ये बंधन तो कहीं इसमें है नहीं, संविधान में भी नहीं है, न कोई निर्वाचन आयोग में है। रही बात राजसमंद की, तो राजसमंद से हम बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, भीलवाड़ा की, तो भीलवाड़ा में पार्टी ने, मैं 2011 से पार्टी का सिपाही हूँ, लगातार जहाँ पार्टी ने काम दिया मैंने वहाँ काम किया है, और जब
संगठन की बात आ रही थी, कोई भीलवाड़ा मुझे किया जाए या राजसमंद किया जाए, तो पार्टी का निर्णय था उस समय। परिस्थिति इस तरह की थी कि भाई यहाँ भीलवाड़ा हमको रहेगा, लेकिन हमारे जो कैंडिडेट थे उनका स्वास्थ्य कुछ यहाँ राजसमंद वालों का कुछ गड़बड़ था, जो उन्होंने मीडिया स्वास्थ्य नेता उन्होंने मीडिया में ये कहा है कि मैं तो लड़ने नहीं चाहता था, स्वास्थ्य तो आप बता रहे की बात है। तो उसके बाद में जो समीकरण बने, अब ये तो ऊपर वाले जो ज़्यादा जानते हैं, हाईकमान का आदेश था कि भाई आपको राजसमंद जाना ऐसा है। तो नहीं कि दामोदर जी को सेट किया जा रहा है कि भीलवाड़ा कोई चेहरा नहीं मिल रहा, भीलवाड़ा दामोदर जी को सेट कर दो, अब भीलवाड़ा तो हमको चलो सीपी जोशी मिल गए, अब राजसमंद कोई नहीं मिल रहा तो राजसमंद दामोदर जी को सेट। सीपी जोशी जी तो पहले भी थे और सीपी जोशी जी जो है आज भी हैं और वो बहुत कद्दावर नेता है, यहाँ भी मैंने देखा है हर गली और मोहल्ले में उनकी छाप है, उनके काम की छाप है। और मैं जो है मैं यहाँ एमपी चुनाव में पहली बार एंट्री कर रहा हूँ और मुझे पहली बार टिकट मिला है, तो उसमें ये पार्टी का निर्णय है कि पार्टी किस लेवल पे जाती है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि सीपी जोशी जैसे आप कह रहे हैं एक मजबूत नाम है राजसमंद में, अब एक मजबूत जब आप एक चुनाव लड़ रहे हैं और राजसमंद अगर पिछला मतांतर देखें तो 5.5 लाख के आसपास वोटों का डिफरेंस भाजपा कांग्रेस के बीच में रहा है, तो कांग्रेस को एक लंबी लड़ाई लड़नी है। ऐसे में आपके एक पिछली बार के विधायक सुदर्शन सिंह रावत कहते हैं कि मेरे विदेशों में कार्य है तो मैं समय दे नहीं पाऊंगा, डॉक्टर सीपी जोशी को भीलवाड़ा भेज दिया जाता है, कमान संभालेगा कौन? देखिए कमान तो जनता संभाल रही है, कार्यकर्ता संभालते हैं, किसी भी वोटिंग की कमान पार्टी का कार्यकर्ता संभालता है और जनता संभालती है। हम जो चाहे मैं यहाँ बैठा हूँ चाहे जोशी जी को भीलवाड़ा लड़ रहे हैं, ये पार्टी का अपना इंटरनल निर्णय होता है कि वो किस तरह से किसकी कहाँ इक्वेशन बैठती है और कहाँ वो जीत सकते हैं। जोशी जी ने माने जोशी जी हमारे बहुत आदर्श हैं और वो बहुत पुराने एक्सपीरियंस लीडर हैं, तो उन्होंने भीलवाड़ा में बहुत काम किया हुआ है। भीलवाड़ा की स्थिति में जो है वो वहाँ भीलवाड़ा तक उन्होंने पानी पहुँचाया, जो कि मुझे पता है पहले वहाँ ट्रेन से पानी आया करता था, आज वहाँ बहुत अच्छी स्थिति है। तो जो है दोबारा पार्टी ने निर्णय किया कि भाई आपको जो भी स्थिति रही होगी ऊपर की वो हमें पता भी नहीं होती है, फिर मुझे कहा कि आपको वहाँ जाना है, 2 दिन बाद मेरे को कहा जाना है, मैंने कहा ओके। आपका एक कार्यकाल लंबा रहा है, पुलिस की सेवाओं में आप लंबे समय तक रहे हैं, आपके बड़े भाई यहाँ राजसमंद से जिला कलेक्टर रहे हुए हैं, उनसे दिशा निर्देश मिल रहे कि नहीं मिल रहे हैं? श्यामलाल जी बता रहे कि नहीं बता रहे कि मेरे भी कुछ अच्छे लोग थे उस वक्त मिलने वाले, तो जब जाओ तो उनसे मिलना, मदद करेंगे? देखिए ये तो एक आपने पर्सनल क्वेश्चन पूछा है कि भाई साहब को मेरे ख्याल से यहाँ रहे हुए बहुत भाई हैं मेरे, इसमें कोई दोराय नहीं है, और उनको रिटायर हुए भी, तो रिटायर हुए 3-4 साल हो गए, आएंगे प्रचार में यहाँ रहे हुए भी, अब ये मुझे उनका पता भी नहीं है कि वो आवे बड़े भाई हैं। और बाकी निर्देश वाली बात तो मुझे अभी तक तो कुछ मिली नहीं है, मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी ने निर्देश दिया मैं सीधा दिल्ली से यहाँ आया और अभी यहाँ सेवा कर रहा हूँ, मैं तो घर पर अभी जा भी नहीं पाया हूँ। जो राजसमंद में अभी भारतीय जनता पार्टी से जो चेहरा है महिमा कुमारी मेवाड़, उनका टिकट कुछ दिनों पहले डिक्लेयर हो गया, उसके बाद लगातार सक्रिय भी हो गए, कार्यकर्ता सम्मेलन भी हो रहे हैं, 8 से 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं, डेगाना तक भी वो पहुँच गए, तो आपको नहीं लगता कि अभी कांग्रेस को थोड़ा तेज़ दौड़ना पड़ेगा यहाँ से? बिल्कुल तेज़ दौड़ना पड़ेगा, उसमें कोई शंका की बात नहीं है कि जब मैं आया ही आज हूँ, मेरा टिकट परसों रात को डिक्लेयर हुआ है, तो निश्चित है दौड़ना पड़ेगा, लेकिन मेरी दौड़ और उनकी दौड़ को आप देखोगे और नतीजे आपको दिखाएंगे, ये घोड़े और ये मैदान, कि वो राजा लोग हैं, हम आम किसान हैं, आम किसान के साथ, किसान के बेटे के साथ कितने लोग लग रहे हैं ये आप देख ही रहे हैं यहाँ, और आगे आप इसको देखेंगे, आज तो कारवा भी शुरू हुआ है 3 घंटे पहले से, हम बहुत तेज़ गति से दौड़ रहे हैं और बहुत तेज़ गति से दौड़ेंगे भी और रिजल्ट भी देंगे। आपने कहा ये घोड़े और ये मैदान, इन मैदान में एक घोड़ा और भी उतरने के लिए कोशिश कर रहा है निर्दलीय के तौर पर वो, और कांग्रेस का बागी घोड़ा है वो, कार्तिक चौधरी का जिक्र आ रहा है जो टिकट की दौड़ में भी लगातार बने हुए थे और अब सुनने में आ रहा है कि वो निर्दलीय चुनाव में मैदान में है, ऐसा नहीं लग रहा है कांग्रेस के लिए स्थिति और भी वो थोड़ी मुश्किल बना देंगे? नहीं वो मेरे को नॉलेज में नहीं है, चल रहा है चर्चा इस प्रकार की, मेरी जानकारी में नहीं है, थोड़ा आप पॉलिटिकल आप इस सवाल से मेरे को लग रहा है बचना चाह रहे हैं, चलो उसमें आपको मैं, पहली बार आप राजसमंद आए तो हम मीडिया वाले भी आपको इतना थोड़ा सा एक छूट दे देंगे, क्या मजबूत पक्ष मानते हैं आपको, क्या लगता है कि ये ऐसे पहलू है जिनके सहारे मैं चुनावी मैदान में जाऊंगा और परिणाम मेरे पक्ष में आएंगे? देखिए सबसे बड़ा मजबूत पक्ष है कि हम यहाँ हमेशा पहले भी जीतते रहे हैं और हमारे जो पूर्व सांसद रहे उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनमें एक जोश है, हमारी पार्टी एकजुट है पूरी, और एकजुट होने के साथ पार्टी की जो हमारी नींव है वो 125 साल पुरानी पार्टी है, तो उसकी नींव मजबूत है, और हमारे जो मुद्दे हैं, क्योंकि दूसरी पार्टी के मुद्दे जनता ने देख लिए हैं 10 साल में, उन्होंने उनको देख भी लिया और भोग भी लिया, अब वो उनसे त्रस्त है, तो जनता निश्चित रूप से हमको प्रेम प्यार दे रही है,
हम निश्चित रूप से जीतेंगे। ऐसे कौन से विषय रहने वाले हैं जो आपकी प्रमुखता से रहने वाले ग्रासमंड लोकसभा क्षेत्र को लेकर, ये विषय मेरे लिए सबसे प्रमुख रहेंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा तो यहाँ जो विषय है पानी की प्रॉब्लम है, पानी सिंचाई का पानी भी यहाँ उपलब्ध नहीं है और पीने के पानी की भी यहाँ प्रॉब्लम है। दूसरा, यहाँ जो मजदूर हैं, जो बहुत बड़ा ये इंडस्ट्री एरिया है मार्बल और उसका, वो उन मज़दूरों के लिए भी कोई विशेष पॉलिसी नहीं है और उन मज़दूरों की सिक्योरिटी की भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बनी हुई है और उनके बच्चों के भविष्य के लिए या पढ़ाई के लिए या उनकी सिक्योरिटी के बेसिस पे जो चीज़ें हैं वो मैं पूरी लाने की कोशिश करूँगा। साथ ही जो माइंस मालिक हैं या जो गैंग्स इंडस्ट्रीज़ के जो मालिक हैं उनको भी हम किस तरह से मदद कर सकते हैं, उनके लिए क्या पॉलिसियाँ बना सकते हैं जिससे कि वो इस प्रोडक्शन को और अच्छा कर सकें और राजस्थान को रेवेन्यू के रूप में भी और राजस्थान के बेरोज़गारों को रोज़गार के रूप में भी ज़्यादा आगे बढ़ सकें। मैं यहाँ और भी तरह के इंडस्ट्रीज लाने की कोशिश करूँगा जो यहाँ के आबोहवा को सूट करती है। इसके अलावा मैं एजुकेशन का आदमी हूँ, एजुकेशन के सेक्टर में मैं चाहूँगा कि यहाँ अच्छे से अच्छे विश्वविद्यालय आएँ, सरकार के सहयोग से अच्छे कॉलेज आएँ, स्कूल्स आएँ और उनमें बच्चे हमारे यहाँ के जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, अच्छे बच्चे पढ़ें, बच्चे अच्छी पढ़ाई करें और विदेश तक जो है हमारे राजसमंद का नाम करें, ये मेरी इच्छा है। एक आखिरी सवाल, एक आप पुलिस विभाग में रहे, आपके परिवार में उच्च अधिकारी है, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े रहे, आखिर ऐसा क्या मोह जगा कि नहीं अब तो राजनीति भी करनी है? मोह नहीं जगा, ये सेवा की बात है। मैं पुलिस में था तो पुलिस में भी मैं उतनी सेवा करता था। उसके अलावा जब पुलिस में मैंने देखा कि पुलिस की कुछ लिमिट्स हैं, पुलिस बैंड बल फोर्स है और ये नहीं कि पुलिस के काम बहुत ज़्यादा संकुचित, पुलिस के बहुत अच्छे काम हैं, पुलिस बहुत अच्छा करती है और पुलिस बहुत अच्छी सेवा भी करती है, मैं उसको अभी भी मन में सजोए रखता हूँ। लेकिन राजनीति का दायरा थोड़ा बड़ा है, इसमें आदमी योजनाएं लगा सकता है, सरकार में बैठ के सरकार से के पैसे को अच्छी जगह पर लगा सकता है, उस तरह का व्यापक क्षेत्र है, इसलिए मैंने इसको चुना है। नामांकन कब है और क्या कुछ रणनीति और कौन कौन बाहर से ऐसा लगता है कि बड़े नेताओं की तारीखों करेंगे, कौन नेता कौन कौन आ सकते हैं तो अभी डिसाइड नहीं है, लेकिन अभी बात करेंगे हम संगठन के साथ फिर डिसाइड करेंगे। तो देखा आपने 3 तारीख को नामांकन है, आखिर में नाम भी तय हो चुका है। सुदर्शन सिंह जी वाला एक मामला हुआ था, उस पत्र के बाद स्थितियां परिस्थितियां दो निकटवर्ती जिलों में बदलती है, भीलवाड़ा और राजसमंद में कांग्रेस में टिकट की कोई उथल पुथल चलती है, उसके बाद राजसमंद से दामोदर गुजर को कहा जाता है कि जाइए और चुनाव लड़िए। अब आप आ चुके हैं देवदर्शन यात्रा के माध्यम से, लोगों के बीच में हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में हैं, जिला टीम उनके साथ एकजुट नज़र आ रही है और कह रहे हैं कि इन मैदानों में ये घोड़े अब धीरे धीरे बहुत तेज़ी से दौड़ने वाले हैं, उस पूरी की पूरी दौड़ पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।